नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम है आर्थराइटिस, जहां कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से 4 से 5 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। शॉर्टली यदि हम देखें आर्थराइटिस का मीनिंग क्या होता है, देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर किताब से आता है आर्थ्रो, आर्थ्रो, और आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट। और एक टर्म आता है आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। तो आर्थराइटिस का मतलब क्या हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इन्फ्लामेशन इन टू द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होना आर्थराइटिस कहलाता है। सपोज एक टर्म आया आर्थ्राल्जिया, एक टर्म आया आर्थ्राल्जिया, आर्थ्राल्जिया, जिया मतलब होता पेन, अगेन आर्थ्रोवर्ड का मतलब हो गया जॉइंट, पेन किस में हो रहा है जॉइंट में, द टर्म्स वी कैन से आर्थ्राल्जिया, आर्थ्राल्जिया, ओके फाइन। तो आर्थ्रोवर्ड, आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी द इंस्ट्रूमेंट विल इंसर्ट इनटू द जॉइंट फॉर विजुलाइजेशन, आर्थ्रोस्कोपी कहलाता है। आर्थ्रोवर्ड कहीं पर भी आता है इट्स व्हिच इज बिलोंग फ्रॉम द जॉइंट, ओके फाइन, ओके फाइन। यदि हम बात करें आर्थराइटिस तो मेनली लगभग लगभग 200 टाइप्स आर्थराइटिस होता है, बट जब हम पढ़ते हैं तो 4 टाइप्स का पढ़ते हैं। एग्जैक्टली हम देखें बच्चों, एग्जैक्टली हम देखें तो लगभग 200 टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं, 200 टाइप्स के, बट इस 200 में से 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मीनिंग क्या होता है, इट इज इन्फ्लेमेशन इनटू द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन। मतलब सपोज दो बोन है, इस बोन का ये जो जुड़ने वाला पोर्शन होगा ये इसका आर्टिकुलर सरफेस होगा, दूसरी बोन का जो कैविटी उसका जो सरफेस होगा, जहां बोन जुड़ेगी वो आर्टिकुलर सरफेस होगी। तो जहां ये दोनों बोन आपस में जुड़ती है उस आर्टिकुलर सरफेस में डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, दैट कंडीशन वी कैन से ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिंपल वर्ड में डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन या डीजनरेटिव, या डीजनरेटिव changes, changes on articular surface, articular surface, articular surface of joint, of joint. क्या कहलाएगा बच्चों? That is a osteoarthritis. क्या कहलाएगा? Osteoarthritis. दूसरा rheumatoid जो है, ये my loving future nursing officer, autoimmune disorder है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है बच्चों आपकी बॉडी के इम्यूनिटी के द्वारा आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करना, दैट इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, वी कैन से रेमेटोइड आर्थराइटिस। देन सेप्टिक आर्थराइटिस, या सेप्टिक आर्थराइटिस का मतलब है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके जॉइंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होगी और वो जाकर के इंफ्लेमेटरी प्रोसेस कॉज करेगा, दैट वी कैन से सेप्टिक आर्थराइटिस। और एक आप पढ़ेंगे गॉटी आर्थराइटिस, और गॉटी आर्थराइटिस का कॉज होता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड। जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और यूरिक एसिड जाकर के जॉइंट पे क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा और जॉइंट के मूवमेंट को रोक देगा, इमोबिलाइज कर देगा। तो 4 टाइप्स के आर्थराइटिस हम यहां देखेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉटी आर्थराइटिस, रेमेटोइड आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन पर्टिकुलर टाइप्स में डिस्कस करते हैं, फर्दर अपन चलते हैं, ओके फाइन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप को, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप osteoarthritis। ऑलरेडी मैंने आपको बताया इट इज अ डीजनरेटिव, डीजनरेटिव को मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन डिजीज ऑफ डाईआर्थ्रोडल या साइनोवल जॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, प्रोलिफेरेटिव चेंजेस ऑफ द सराउंडिंग बोन। डेफिनेटली जो कार्टिलेज होगा, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, जब बोन आपस में कनेक्ट होती है वो ब्रेक होने लगेगा, डिस्ट्रक्ट होने लगेगा, दैट कंडीशन वी कैन से ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये कॉमनली इसको मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस बोलते हैं बच्चों, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस बोलते हैं। और आपके बॉडी में दो जॉइंट, दैट इज अ हिप जॉइंट और नी जॉइंट। मैं बताना चाहता हूं इसी पेशेंट को हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, इसी पेशेंट को हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। तो दो ये जॉइंट जहां पर ये कंडीशन कॉमनली डिटेक्ट होती है, वैसे किसी भी जॉइंट में हो सकती है, किसी भी जॉइंट में हो सकती है, बट हिप और नी कॉमनली अफेक्ट होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है,
क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों कि फर्स्ट सिम्टम, क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपको आंसर लिखना है मॉर्निंग स्टिफनेस और पेन इन टू द जॉइंट। देखिए एक पेशेंट है, ये उसका फीमर का हेड है और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, देन ये बोन है, दूसरी तरफ ये आपका एसिटाबुलम का, सॉरी पेल्विस का एसिटाबुलम है, ये पेल्विस का एसिटाबुलम है, इस फीमर का हेड का ये आर्टिकुलर सरफेस है, ये आर्टिकुलर सरफेस है और एसिटाबुलम का ये आर्टिकुलर सरफेस है। इन दोनों सरफेस में क्या हुआ बच्चों, दोनों सरफेस में डीजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव चेंजेस डेवलप हुआ जिसकी वजह से इस जॉइंट के मूवमेंट रुक गए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, फर्स्ट सिम्टम पेशेंट सफर विद ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो तुरंत लिखना बच्चों मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ साथ पेशेंट को पेन होगा, पेशेंट को पेन होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जॉइंट लॉकिंग और वी कैन से क्रिपिटस। क्वेश्चन क्या बता, मैंने आपको फ्रैक्चर में पढ़ाया था बच्चों, क्रिपिटस, क्रिपिटस का मतलब होता है फ्रिक्शन साउंड बिटवीन बोन, फ्रिक्शन साउंड, फ्रिक्शन साउंड, देखिए दो बोन के बीच में जो फ्रिक्शन साउंड आता है उसको क्रिपिटस बोलते हैं। उसके साथ ऑन पैसिव आर ओ एम, पैसिव आर ओ एम को बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन, और मोशन से याद रखना मूवमेंट, मोशन से याद रखना मूवमेंट। आगे पढ़ाऊंगा बच्चों आपको मैं, पैसिव का मतलब समवन, पैसिव का मतलब समवन, एक्टिव का मतलब सेल्फ, मतलब मुझे कोई बोले कि हाथ को मोड़ना, ये आपका एक्टिव मूवमेंट हो गया, एक्टिव का मतलब जो मैंने खुद किया, और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का मतलब आपके बॉडी के जॉइंट का मूवमेंट, और किसी ने हाथ को पकड़ के मूव करवाया वो पैसिव मूवमेंट कहलाएगा, वो पैसिव मूवमेंट कहलाएगा। तो जब आप पेशेंट का पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज करवाएंगे मतलब बाय समवन, उस समय जिस जॉइंट में आर्थराइटिस है वहां पर आपको फ्रिक्शन सुनाई देगा, उसको हम क्रिपिटस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिपिटस। बोन जब ब्रेक होता है, फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने के बाद में फ्रैक्चर पार्ट के बीच में जब बोन फ्रिक्शन करता है तो एक साउंड सुनाई देता है, उस साउंड को क्रिपिटस बोलते हैं, और जॉइंट लॉक हो जाएगा जिस जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होगा। ओके फाइन, दो इसके स्पेसिफिक सिम्टम है, दो इसके स्पेसिफिक सिम्टम जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, आई विल शो यू ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विच आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ऐसे सिम्टम का नाम लिखा होगा और पूछेंगे ये कौन सी डिजीज का सिम्टम है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर स्पेसिफिक दो नोट्स पढ़ाऊंगा, एक हैबिटसन नोट्स होगा, एक बुचार्स नोट्स होगा, और ये दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बात तो दोनों सिम्टम किसके बच्चों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के, दोनों सिम्टम किसके हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के यदि पेशेंट है उस पेशेंट में ये सिम्टम फाइंड आउट होगा। दूसरी बात, एक टर्म लिखा है हैबिटसन नोट्स, दूसरा टर्म लिखा है बुचार्स नोट्स। यहां इस पिक्चर को ध्यान से देखना, ये हाथ देखिएगा, ये जो बोन है ये कौन सी बोन है, ये मेटाकार्प, कौन सा मेटाकार्प, और ये जो जॉइंट दिख रहा है ये जॉइंट कौन सा होगा, मेटाकार्प और फेलेंजेस के बीच में है, जॉइंट का नाम है मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, कौन सा जॉइंट होगा बच्चों, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। अब डेफिनेटली ये तो मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट हो गया, अब आपके सामने दो जॉइंट और बचे हैं, अब आपके सामने दो जॉइंट बचे हैं, इन दोनों जॉइंट के जो फेलेंजियस बोन के बीच का जॉइंट है उसको इंटरफेलेंजियल जॉइंट कहते हैं। यू कैन सी ये आपका जो जॉइंट दिख रहा है दैट इज अ मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, ये जो बोन दिख रहा है ये कौन सी बोन थी, ध्यान से देखना बच्चों, ये आपकी बोन कौन सी थी, कार्पल, ये बोन कौन सी है, मेटाकार्पल, फिर से बता रहा हूं ध्यान से देखने पर, फिर से बता रहा हूं मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट क्या होगा, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन यही बनेगा, एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बोन दिख रही है इसको हम कार्पल बोन बोलते हैं, ये जो बोन दिख रही है ये मेटाकार्पल बोन है, ये जो बोन दिख रही है इसको फेलेंजियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, फेलेंजियस, और इन मेटाकार्पल और फेलेंजियस के बीच का ये जो जॉइंट दिख रहा है इसको मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, यू कैन सी दिस वन, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, ये जो बोन दिख रही है फेलेंजियस बोन है, और फेलेंजियस बोन के बीच का जो जॉइंट है उसको इंटर फेलेंजियल जॉइंट कहते हैं बच्चों, इंटर फेलेंजियल जॉइंट के नाम से जानते हैं, द जॉइंट बिटवीन द फेलेंजेस, गॉट इट एवरीवन। दूसरा, अब क्या हुआ जब पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ तो इस इंटरफेलेंजियल जॉइंट के डॉर्सल एस्पेक्ट पे, डॉर्सल का मतलब साइड वाले एस्पेक्ट पे आउट ग्रोथ होगा, बोन का ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ क्या करेगा उस मूवमेंट को रोक लेगा, और ये स्पेसिफिक दो नोड्स डेवलप होते हैं, एक का नाम है बुचार्स नोड्स, एक का नाम है हैबिटसन। एक और बात ध्यान रखना,
कोई भी बॉडी के पार्ट से दूर वाला पोर्शन होता है उसको डिस्टल कहते हैं, पास वाले को प्रॉक्सिमल कहते हैं। यदि मैं इन दोनों जॉइंट की बात करूं तो ये जॉइंट जो है आपके बॉडी की टूवर्ड्स है तो ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होगा, ये जॉइंट आपके बॉडी से दूर है ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया तो दोनों सिम्टम में याद करवा दूंगा, ये आपका कौन सा होगा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, दूर वाला कौन सा होगा डिस्टल इंटरफेरेंजियल। अब देखिए एबीसीडी में पहले कौन आता है बच्चों, एच आता है या बी आता है, कौन आता पहले? पहले कौन आएगा? बी आएगा, बाद में कौन आएगा? एच आएगा। तो सिंपली याद रखना, सिंपली याद रखना, यदि आपके बॉडी की तरफ से जो पहला जॉइंट है जिसका नाम है प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, और यदि प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट के साइड में आउटग्रोथ होता है वो एबीसीडी में पहले क्या था? बी, वो चार्ट्स नोड्स कहलाता है। और वही दूर वाला जिसको डिस्टल बोलते हैं, डिस्टल के बोन के साइड में आउटग्रोथ हुआ, डिस्टल जॉइंट के साइड में आउटग्रोथ हुआ है वो हेपेटोसाइट नोड्स कहलाएगा। बहुत आसान है, इस पिक्चर में देखिएगा ये आपका है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डिस्टल, और प्रॉक्सिमल में यदि आउटग्रोथ हो रहा है तो बुचार्ड्स नोड्स कहलाता है, डिस्टल में यदि आउटग्रोथ हो रहा है तो हेबर्टसन नोड्स कहलाता है। सिंपल वे, सिंपल वे, बुचार्ड्स नोड्स और हेबर्टसन नोड्स दोनों कौन से डिजीज के सिम्टम है बच्चों? ऑस्टियोआर्थराइटिस। किसके हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके फाइन, ओके फाइन, ये दो स्पेसिफिक सिम्टम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर से आपको पूछा जा सकता है। पेन भी कम करेगा, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को भी कम करेगा। दूसरा मैंने लिखा है इंट्रा आर्टिकुलर, देखिए इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होगा इनटू द जॉइंट, कहां पर हम पुट करें इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब इनटू द जॉइंट, क्या देंगे? हायलोयुरिक एसिड। याद होगा बच्चों मैंने आपको जॉइंट के अंदर एक फ्लूइड पढ़ाया था साइनोवियल फ्लूइड, याद होगा जॉइंट में एक फ्लूइड पढ़ाया था साइनोवियल फ्लूइड, और साइनोवियल फ्लूइड का कंपोजिशन था हायलोयुरिनिक एसिड, याद है? और हायलोयुरिनिक एसिड का काम है उस जॉइंट पर लुब्रिकेशन बनाए रखना, मोशन बनाए रखना। या हायलोयुरिनिक एसिड का काम क्या होगा? प्रिवेंट इफेक्ट ऑफ एज, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज एज भी हो सकता है, एजिंग इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जॉइंट में हायलोयुरिनिक एसिड इंजेक्ट करते हैं, और उसके अलावा पेन और इंफ्लेमेशन को ठीक करने के लिए NSAIDs, नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग को हम यूज करते हैं। गॉट इट एवरीवन? अब नेक्स्ट देख रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। यू कैन सी एवरीवन, देखिए मैंने दो जॉइंट कॉमनली बताया था, हिप जॉइंट और नी जॉइंट। हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दो क्वेश्चन बनेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट में। एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी पोजीशन देते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, एक क्वेश्चन बनेगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के तुरंत बाद कौन सी पोजीशन में। दोनों क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यहां देखिएगा ये पेशेंट को क्या प्रॉब्लम था ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम था बच्चों? ऑस्टियोआर्थराइटिस। और मैंने कहा था ये आपका हिप जॉइंट है, ये एसिटाबुलम है, ये फीमर का हेड है, और दोनों में डीजनरेटिव चेंजेस आया, डिस्ट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से जॉइंट लॉक हो गया, मूवमेंट भी हुआ। इस पर्सन को, इस जॉइंट को हमने क्या किया? रिमूव करके ये जॉइंट प्लेस किया, इसको प्रोस्थेटिक जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक जॉइंट बोलते हैं। और प्रोस्थेटिक जॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी डिवाइस हम आपकी बॉडी में पुट करते हैं उस डिवाइस को प्रोस्थेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेसिस। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया बच्चों नी का, क्योंकि नी जो था वो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट था टू डेवलप ऑस्टियोआर्थराइटिस। गॉट इट एवरीवन? अब क्वेश्चन क्या आएगा देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद दो तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इस पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं और तुरंत पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं टू मेंटेन रेस्पिरेटरी पैटर्न। बट आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में
पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। मैंने आपको यहाँ आंसर पुट किया, यू कैन सी आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट, आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जैसे पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट किया, हिप रिप्लेसमेंट के बाद में मेंटेन अबडक्शन। देखिए अबडक्शन का मतलब होता है बच्चों अवे फ्रॉम द बॉडी, अबडक्शन का मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, आपके बॉडी से दूर, दैट करना अबडक्शन। सपोज मैं सीधा खड़ा हूं, मैं हाथ को दूर कर रहा हूं, अबडक्शन कहलाएगा, हाथ को पास लाऊंगा वो अडक्शन, अडक्शन में डबल डी आएगा, डबल डी आएगा मतलब एड होना, पास में लाना, टूवर्ड्स योर बॉडी अडक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी अबडक्शन। तो क्या किया पेशेंट को हिप रिप्लेस के बाद में मेंटेन अबडक्शन व्हेन द क्लाइंट इज इन सुपाइन पोजीशन और इज अ पोजीशन ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड, प्लेस पिलो बिटवीन क्लाइंट लेग टू मेंटेन द अबडक्शन। सीधा लटाया, जिस पैर में आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ उस और दोनों पैर को अपने डिस्टेंस बनाया, दोनों पैरों के बीच में पिलो पुट किया और ये पोजीशन हम हिप रिप्लेसमेंट की बात देते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये लिटिल थिंग मैंने बताया विच इज बिलोंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, किससे बिलोंग करे ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा जो सेकंड टाइप मैंने यहाँ पुट किया है रेमेटोइड आर्थराइटिस। देखिए हम आर्थराइटिस के टाइप पढ़ रहे हैं बच्चों, रेमेटोइड का मैंने क्या बताया, रेमेटोइड आर्थराइटिस में मैंने क्या बताया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, रेमेटोइड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटस SLE पढ़ते हैं वो भी ऑटोइम्यून है, और बहुत सारे आपकी बॉडी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के द्वारा ही आपकी रिक्वायर्ड इम्यून को डिस्ट्रॉय करके ये डिजीज डेवलप होता है, दैट वी कैन से रेमेटोइड में क्या होगा। देखिए रेमेटोइड में क्या होगा, इट इज अ क्रॉनिक इंफ्लामेशन, ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ अ जॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड सिनेवल मेम्ब्रेन विद इन द जॉइंट। क्या होगा सपोज ये आपकी बोन है, ये आपकी बोन है, आर्टिकुलर सरफेस का डिस्ट्रक्शन तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहला रहा। अब इस बोन के अंदर जॉइंट वाला हिस्सा जो है यहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट कंडीशन वी कैन से रेमेटोइड आर्थराइटिस, क्योंकि खुद की बोन की कंपोजिशन से हो रहा है। और याद रखना वुमेन्स आर अफेक्टेड मोर देन द मेन, या लिखा हुआ सॉरी वुमेन्स अफेक्टेड लेस देन द मेन, मेल और फीमेल में देखा जाए तो फीमेल यहां पर ज्यादा अफेक्ट होती है, महिलाओं को यह डिजीज ज्यादा अफेक्ट करती है। सिंपल वे में बोलना वुमेन्स आर मोर अफेक्टेड टू द मेन। डिजीज का नाम है रेमेटोइड आर्थराइटिस, रेमेटोइड आर्थराइटिस। याद रखना बच्चों वक्त रहते नौकरी पा लेना, नहीं तो इस तरह की कंडीशन से जकड़ जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कॉमन साइट्स, अपने कॉमन साइट, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉमन साइट आपको बताया हिप जॉइंट, बताया नी जॉइंट बताया, मैंने यदि कॉमन साइट की बात करूं रेमेटोइड आर्थराइटिस की तो दो जॉइंट है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, देखिए बच्चों यह फिंगर है इसमें दो जॉइंट है प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। दूसरा लिखा मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, देखिए ये मेटाकार्पस है और ये फेरेंजियस है, इस जॉइंट का नाम है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट टू डेवलप। Which type of arthritis? Rheumatoid arthritis. कौन सा? Rheumatoid arthritis. Okay, fine. Risk factor इसका exact cause नहीं है, but याद रखना family में किसी को है, generation to generation ये commonly cause होता है, और तरीका hereditary 5-10%। यदि आपसे question पूछा जाए exam में कि most common कौन सा factor responsible है, तो आप लिखना hereditary. Particular पूछा जाए तो आपको हेरिडिटी लिखना है, क्योंकि रेमेटोइड में जनरेशन टू जनरेशन डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इस पेशेंट को कॉमनली हम देखेंगे तो इंटरफेलेंजियल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जहां अफेक्ट होगा, डिजीज जो है प्रेजेंस और डिफॉर्मिटी से पता चलता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यहां पर भी थोड़ा सा वेरिएशन जानना बहुत जरूरी है। मैंने एक टर्म लिखा है पॉली, देखिए पॉली आर्थराइटिस मोनो आर्थराइटिस, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक जॉइंट, एक से अधिक। हम यदि रेमेटोइड आर्थराइटिस की बात करें तो रेमेटोइड आर्थराइटिस ज्यादातर एक से अधिक जॉइंट में पाया जाता है, तो लिखा है पॉली आर्थराइटिस कहां पर, हैंड और फीट में, इसको हम हॉलमार्क साइन बोलते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, आपको पूछेंगे हॉलमार्क फीचर ऑफ रेमेटोइड आर्थराइटिस, हॉलमार्क फीचर पूछेंगे तो आपका मतलब हॉलमार्क मतलब इंडिकेटिव सिम्टम पूछेंगे, तो एक से अधिक जॉइंट में पाया जाता है जिसको हम पॉली आर्थराइटिस बोलते हैं। उसके अलावा और क्वेश्चन बनेंगे यहां पर, उसके अलावा अर्ली सिम्टम पूछेंगे बच्चों, और अर्ली में अगेन मॉर्निंग स्टिफनेस,
मैंने अभी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में पढ़ाया था, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, मॉर्निंग स्टिफनेस होगा लास्टिंग लॉन्गर फॉर 30 मिनट्स देन स्टिफनेस आफ्टर सिटिंग स्टिल, लगातार एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से पैर सीधे नहीं होंगे, हाथ सीधा नहीं होगा, मुड़ जाएगा। और वही लेट सिम्टम की बात करें तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लेट सिम्टम मैंने यहाँ पर दो चीजें पुट की है, एक लिखा है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि लगातार लगातार पेशेंट को रेमेटोइड आर्थराइटिस की वजह से बॉडी के एक्सट्रीमिटीज के मूवमेंट की रेंज कम हो जाती है, इसको लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बोलते हैं। उसके साथ वीकनेस होगा, कभी कभी लगातार रेमेटोइड आर्थराइटिस की वजह से बच्चों पर्सन को डिसलोकेशन और परमानेंट जॉइंट डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि एक जॉइंट जो है वो लगातार काम नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा है, द जॉइंट गोइंग टू बी लॉस्ट द नॉर्मल फंक्शन, तो वो पेशेंट को जॉइंट डिफॉर्मिटी कॉज कर सकता है रेमेटोइड आर्थराइटिस के द्वारा, या वो जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, लेट सिम्टम के रूप में आपको देखने को मिलेगा यदि पेशेंट को रेमेटोइड आर्थराइटिस है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा एग्बुटानियस डिफॉर्मिटी सुना होगा, स्वान नेक डिफॉर्मिटी सुना होगा, मैंने दो नोट्स पढ़ाए, उससे भी ये आसान है याद रखने का तरीका, वो मैंने आपको दोनों किसमें बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और ये दोनों स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बुटानियस डिफॉर्मिटी किसमें पड़ेंगे, दैट विल बिलोंग फ्रॉम रेमेटोइड आर्थराइटिस। देखिए बच्चों, एक चीज पहले मैंने क्लियर कर दी थी आपको कि रेमेटोइड आर्थराइटिस है वो कॉमनली इंटरफेलिंजल जॉइंट में पाया जाता है। किसमें होता है बच्चों? इंटरफेलिंजल जॉइंट में कॉमनली पाया जाता है, और डिफॉर्मिटी जो मिलेगी ये भी आपको इंटरफेलिंजल जॉइंट में मिलेगी, और जब इंटरफेलिंजल जॉइंट का आपको पता होगा तो डिफॉर्मिटी ढूंढना काफी आसान होगा बच्चों, काफी आसान होगा। दैट यू कैन सी, मैंने दो डिफॉर्मिटी यहां पर पुट की है, ध्यान से देखना बच्चों। पहली पिक्चर क्या कहती है? फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजल जॉइंट एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ डिस्टल इंटरफेलिंजल, दोनों सिम्टम में एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। ये आपकी फिंगर है, इस फिंगर में ये जो जॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं मेटाकार्पोफेलिंजल जॉइंट बोल दिया, ये जो बॉल दिख रही है ये कौन सी मेटाकार्पल है। नेक्स्ट जो जॉइंट है, दूर वाला होगा वो डिस्टल कहलाएगा, पास वाला होगा वो प्रॉक्सिमल कहलाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात क्या आती बच्चों, बुटानियस में जो दूर वाला जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं डिस्टल, ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर एक्सटेंडेड हो जाएगा, और प्रॉक्सिमल जो है वो फ्लेक्स्ड हो जाएगा, प्रॉक्सिमल जो फ्लेक्स हो जाएगा और डिस्टल आगे से एक्सटेंडेड हो जाएगा, इसको बुटानियस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुटानियस, क्योंकि फ्रंट वाला यदि डाउन होगा तो स्वान नेक बोलते हैं, आगे मैं समझाऊंगा, पहले मैं आपको बुटानियस डिफॉर्मिटी बता रहा हूं। बुटानियस में जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करूं, डिस्टल इंटरफेलिंजल जॉइंट है वो तो होगा क्या होगा बच्चों, फ्लेक्स्ड होगा, देखिए वो क्या होगा, सॉरी एक्सटेंड होगा, और प्रॉक्सिमल जो है वो फ्लेक्स्ड होगा, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। एक्सटेंड का मतलब फिंगर का टिप जो है वो ऊपर की ओर होगा, दैट विल बी इंडिकेटिंग पेशेंट सफर द बुटानियस डिफॉर्मिटी, और इसका जस्ट उल्टा, जब ये टिप जो नीचे की ओर होगा, याद रखने का तरीका, नीचे की ओर होगा तो फ्लेक्शन होगा, इसको हम स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं, लुक लाइक स्वान, स्वान की गर्दन जो है आगे की ओर ऐसे झुकती है। तो याद रखना, ये डिस्टल इंटरफेरेंजल जो जॉइंट होगा वो फ्लेक्स होगा, और प्रॉक्सिमल जो होगा वो एक्सटेंड होगा, उसको स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। दो डिफॉर्मिटी बता रहा हूं, बुटानियस स्वान नेक, फिंगर आगे से ऊपर होगा तो डेफिनेटली एक्सटेंड होगा, फिंगर नीचे होगा तो फ्लेक्स होगा, और ये अलग अलग दो डिफॉर्मिटी है, बुटानियस और दूसरा स्वान नेक डिफॉर्मिटी, दोनों रेमेटोइड आर्थराइटिस का सिम्टम है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इट विल बी गेटिंग राइट आंसर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो रेमेटोइड आर्थराइटिस क्या था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की सीवियरिटी को देखना है तो हमेशा अपन क्या करते हैं, ईएसआर देखते हैं बच्चों, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, ईएसआर के नाम से हम प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम में आपको दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएसआर, तो आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बियर्निकीज रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, ये ईएसआर का दूसरा नाम, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का, बियर्निकीज रिएक्शन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। इरिथ्रोसाइट में क्या देखते हैं, रेट ऑफ रेट विच द आरबीसी सेडिमेंटेड इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर
measured by Western Green method. It's very, very, very important. क्वेश्चन आएगा कौन सा मेथड यूज करते हैं ये सर मॉनिटर करने में, मैं लिखा वेस्टर्न ग्रीन मेथड, इसका दूसरा नाम है विंट्रो मेथड बोलते हैं, और ये सर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, सीवियरिटी ऑफ इंफेक्शन को, इसको रिप्रेजेंट करेगी सीवियरिटी ऑफ इंफेक्शन को, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, हाउ कैन डिटेक्ट विद द डिटेक्ट हेल्प ऑफ द ईएसआर। एग्जाम में नॉर्मल लेवल पूछते हैं, नॉर्मल वैल्यू पूछते हैं मेल और फीमेल, और यहाँ पर आप देखिएगा फीमेल ने यहाँ पर बाजी मारा है, मेल में 0 से 22 mm पर आवर होता है, फीमेल में 0 से 29 mm पर आवर होता है। याद रखना मैंने कहा था आपको रेमेटोइड आर्थराइटिस कॉमनली वुमेन्स में होता देन द मैन, यहाँ पर भी ईएसआर नॉर्मल जो है वुमेन्स में ज्यादा होता देन द मैन, और ईएसआर यदि बढ़ रहा विल इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद द इंफेक्शियस डिजीज, और इंफेक्शन की डिग्री माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी को डिटेक्ट करने के हम लोग क्या करते हैं, ईएसआर को मॉनिटर करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ईएसआर को मॉनिटर करते हैं। ओके फाइन, अब यहां कुछ स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि पेशेंट को रेमेटोइड आर्थराइटिस हुआ है और रेमेटोइड आर्थराइटिस का इन्वेस्टिगेशन करना भी जरूरी है कि रेमेटोइड फैक्टर नॉर्मली हम यहां पर मॉनिटर करते हैं, जब पेशेंट को रेमेटोइड आर्थराइटिस होता है तो क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन, सीआर रिएक्टिव प्रोटीन देखते हैं, सीआर रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड टेस्ट मार्कर के नाम से प्रोनाउंस होता है, और ये हमेशा इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को, और सी रिएक्टिव प्रोटीन यदि अपन रेमेटोइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट को देखेंगे तो नॉर्मली लेस देन 0 सॉरी लेस देन 1.0 mg पर dl होता है, और यदि पेशेंट को रेमेटोइड आर्थराइटिस होगा तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन कब रिफ्लेक्ट करता है, कब बढ़ता है, जब कोई इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होता है। ओके फाइन, इसके अलावा रेमेटोइड फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको नॉर्मल वैल्यू भी आपको बताऊंगा, रेमेटोइड आर्थराइटिस की हम बात करें तो रेमेटोइड फैक्टर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इट विल हेल्पिंग टू डायग्नोस द रेमेटोइड आर्थराइटिस, इसको हम बोलते हैं कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर रेमेटोइड आर्थराइटिस, क्योंकि माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जब भी आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम आप पे अटैक करेगा तो बॉडी की तरफ से एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन होगा, और ये जो रेमेटोइड फैक्टर है ये बढ़ी हुई बॉडी एंटीबॉडी को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, इसलिए अपन इसको रेमेटोइड फैक्टर ऐसे के नाम से भी जानते हैं। देखिए नॉर्मल वैल्यू हम देखें तो 0 से 39 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ये नॉर्मल रेमेटोइड फैक्टर का लेवल आपको बता रहा हूं 0 से 39। देन माय डियर यदि वीक रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिव है, इंडिकेट कर रहा है, तो ये 40 से 79 हो जाएगा, और ये यदि कंडीशन प्रेजेंट है तो ये क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना आपको आंसर लिखना है मोर देन या हायर देन 80 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, इंडिकेट करेगा कि द पेशेंट सफर विद रेमेटोइड आर्थराइटिस, इस पेशेंट को रेमेटोइड आर्थराइटिस है, ये सफर कर रहा है, तो ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेमेटोइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट को ट्रीट करने के रेमेटोइड फैक्टर देखते हैं, रेमेटोइड फैक्टर का अलग अलग वैल्यूज है, जैसे जैसे कंडीशन की सीवियरिटी बढ़ेगी फैक्टर का लेवल बढ़ेगा, और ये इंडिकेट करेगा पेशेंट सफर विद रेमेटोइड आर्थराइटिस। ओके फाइन, अब बात आती है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, यहाँ पर भी स्पेसिफिक ड्रग की बात करता हूं मैं, नॉन फार्मा में रेंजो पोशन एक्सरसाइज है, पैराफिन बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पैराफिन बात, देखिए बच्चों हमने सिम्टम में क्या देखा, मॉर्निंग स्टिफनेस देखा, मतलब जिस जॉइंट में रेमेटोइड आर्थराइटिस होगा वो जॉइंट मूवमेंट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली उस मूवमेंट को, रेंज ऑफ मोशन के मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए हम एक स्पेसिफिक थेरेपी यहाँ पर देते हैं जिसको पैराफिन बात के नाम से बोलते हैं। क्या होगा पैराफिन बात में, 15 से 30 ml तो हम लेते हैं मिनरल ऑयल्स, और लगभग 1 pound हम लेते हैं पैराफिन वैक्स, मिनरल ऑयल के साथ में पैराफिन वैक्स को मिक्स किया लैब बनाया, और जिस जॉइंट के अंदर स्टिफनेस है उसके ऊपर पुट करना, बहुत शानदार, इसका टेम्परेचर भी जानना इंपॉर्टेंट है,
मैंने लिखा है 118 फारेनहाइट से 126 डिग्री फारेनहाइट ये अपर एक्सट्रीमिटीज में यूज करते हैं और 113 से 121 डिग्री फारेनहाइट ये लोअर एक्सट्रीमिटीज में, क्योंकि इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके इस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, फिर उस जॉइंट पे पुट किया जाता है, इससे क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, हीट अप होगा, हॉट एप्लीकेशन मिलेगा, देन धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे आपने सुना होगा, सिट्स बार, हम लोग बहुत बार जिक्र करते हैं सिट्स बार, और सिट्स बात को हम लोग टब बात भी बोलते हैं, टब बात भी बोलते हैं। इसका टेम्परेचर 110 से 115 डिग्री फारेनहाइट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया। देखिए मैं जितने भी आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ नोटबुक में ऊपर लिखना ना भूले, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से। जहां पर भी टीचर एक्स्ट्रा कुछ जिक्र करता है तो नोट डाउन करना ना भूले, क्योंकि वो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो सीधा बार बार एग्जाम में अटैक करते हैं, तो कभी ना भूले। जैसे यहाँ बताया सिट्स बात, सिट्स बात का दूसरा नाम है टब बात। आपने पढ़ा होगा हेमरॉइड्स में, आपने पढ़ा होगा पेरिनियल केयर में हम लोग सिट्स बात का यूज करते हैं, डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज करता है, पेन को मिनिमाइज करता है। और सिंपली याद रखना पूछेंगे व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिट्स बात, 110 से 115 डिग्री फारेनहाइट। ओके फाइन, यहाँ आपने देखा नॉन फार्मा, जहां पर ड्रग की जरूरत नहीं पड़ती है, और वेट बियरिंग एक्सरसाइज को अवॉइड करना। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं बच्चों, क्वेश्चन ये आएगा वेट बियरिंग जॉइंट, ये क्वेश्चन आएगा वेट बियरिंग जॉइंट कौन सा, तो आपको आंसर लिखना है दैट इज अ इलियो। जैसे अपन बात करते हैं सैक्रम और पेल्विक बोन जो होती है तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है, इलियम इशियम प्यूबिस, तो सैक्रो इलियक जॉइंट। नाम क्या है जॉइंट का, सैक्रो इलियक जॉइंट। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन से जॉइंट को वेट बियरिंग जॉइंट बोलते हैं, कौन से जॉइंट को वेट बियरिंग जॉइंट बोलते हैं, वजन सहन करने वाला जॉइंट बोलते हैं, तो आपको आंसर लिखना है सैक्रो इलियक जॉइंट। कौन सा जॉइंट होगा बच्चों, सैक्रो इलियक जॉइंट होगा। ओके फाइन, अब बात आती है कि रेमेटोइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट को ट्रीट करना स्पेसिफिक एक ड्रग है जिसको DMARDS बोलते हैं, एक डिजीज मोडिफाइड एंटी रेमेटिक ड्रग, और मैं नाम लिखा मीथोट्रेक्सेट, नाम लिखा बच्चों मीथोट्रेक्सेट, याद रखना इसको इम्यूनो मोडिफाइड ड्रग भी बोलते हैं, इसको इम्यूनो मोडिफायर ड्रग भी बोलते हैं, और ये कीमोथेरेपी एजेंट भी है, मीथोट्रेक्सेट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, जिसको हम डिजीज मोडिफाइड एंटी रेमेटोइड ड्रग के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेमेटोइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में हम यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट छोटा सा डिसऑर्डर सेप्टिक आर्थराइटिस, देखिए बच्चों नाम से पता चला सेप्सिस और एसेप्सिस, एसेप्सिस का मतलब होता है absent of microorganism, sepsis का मतलब होता है present of microorganism, और septic arthritis को हम joint infection बोलते हैं। बहुत आसान है, it is inflammation into the synovium or we can say synovial joint या synovial fluid, you can see everyone joint है, suppose ये आपका joint है, suppose ये आपका joint, ये आपकी bone है, this is the bone, that is the bone, और ये आपके bone का joint है, इसका नाम है synovial cavity, और joint का नाम है That is a synovial joint, और जो fluid होता है उसको हम बोलते हैं synovial fluid, membrane को synovial membrane बोलते हैं, और synovial membrane किसको secrete करती है synovial fluid को, और यहाँ पर inflammatory process होगा वो septic arthritis कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, septic arthritis कहलाएगा। Commonly hip joint in children में पाया जाएगा और knee in adult, ये particular दो जगह है, बच्चों में अलग होगा adult में अलग होगा, मैंने लिखा hip joint in children और knee in adult, अडल्ट में नी, आपको याद होगा मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी अडल्ट को नी बताया था, कॉमनली अफेक्ट होता है, और यहां हम बात करें सेप्टिक आर्थराइटिस, किसकी बात करें बच्चों सेप्टिक आर्थराइटिस, और जहां पर सेप्सिस वर्ड आता है तो तुरंत दिमाग में आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, और यहां पर मैंने पुट किया कि सेप्टिक आर्थराइटिस जब भी किसी पेशेंट होगा तो 80-90% सिंगल जॉइंट होगा, मोनो डाई पॉली आप पढ़ते हैं, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब मोर देन वन, 80-90% पाया जाएगा। नी यहाँ पर कॉमनली 55% रिस्पॉन्सिबल है, और फुट जॉइंट में 2% पाया जाएगा बच्चों, और पॉली जो मोर देन वन जॉइंट है वो भी रेमेटोइड आर्थराइटिस, मैंने आपको बताया था वहां रेमेटोइड आर्थराइटिस मैंने कहा था कि एक से अधिक जॉइंट जो है वो ज्यादा अफेक्ट होता है, और वही यदि हम बात करें सेप्टिक आर्थराइटिस की सिंगल जॉइंट रिस्पॉन्सिबल है, और जिसमें सबसे ज्यादा कौन है नी, नी में कॉमनली फाइंड आउट होगा इफ द पेशेंट डज हैव सेप्टिक आर्थराइटिस। ओके फाइन, ओके फाइन, अब यदि बात करें सेप्टिक आर्थराइटिस वाले पेशेंट की तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से
माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से इस पेशेंट को ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में जब हम जाएंगे तो कल्चर करेंगे, क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। बट ये जानना जरूरी है पर्टिकुलर कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है इस सेप्टिक आर्थराइटिस के लिए। मैंने मेंशन किया है यहां पर जो एग्जांपल पर जो अब्यूस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी एवरीवन। सबसे पहले लिखा है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लगभग 90% से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ग्राम पॉजिटिव, देखिए जब भी हम किसी बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमेशा उसका ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, साइज, शेप, डायमीटर सब चेक करते हैं। यहाँ लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस में बोला है कि विच इज द मोस्ट कॉमन आईवी ड्रग अब्यूजर होता है, उसको भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इन एवरी एज, किसी भी एज ग्रुप का पूछेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस बताना आपको। बाकी 6-5 ईयर में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। नाइजीरिया गोनोरी मोस्ट कॉमन इन सेक्सुअल एक्टिव एडल्ट, बिकॉज नाइजीरिया गोनोरी जो है ये गोनोरिया कॉज करता है, ये गोनोरिया कॉज करता है, और ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये भी कहीं ना कहीं जॉइंट में आकर के इंफ्लेमेटरी प्रोसेस कॉज कर सकता है। और लास्ट में लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइटिस, याद रखना बच्चों प्रोस्टेटिक जॉइंट भी क्वेश्चन एग्जाम का है। यदि आपने किसी पेशेंट का जॉइंट रिप्लेस किया, जॉइंट रिप्लेस करने के बाद में उस जॉइंट पे इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होता है तो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइटिस रिस्पॉन्सिबल है। और याद रखना ये एस्पिरेटरी निमोनिया का भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम में पूछेंगे जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो एस्पिरेटरी निमोनिया का कॉज पूछेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइटिस बोलता बच्चों। स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइटिस ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। मैंने अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से आपको कॉज बताया। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, उसके अलावा मैंने यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिव वुमन्स को नाइजीरिया गोनोरी बताया और प्रोस्थेटिक जॉइंट में स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइटिस बताया। तो दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं बच्चों। देन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि यदि पेशेंट को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है तो वैंकोमाइसिन दें, यदि पेशेंट को ग्राम नेगेटिव रिस्पॉन्सिबल है तो सिप्ट्रेक्सोन दें, और यदि नाइजीरिया गोनोरी है तो सिप्ट्रेक्सोन स्पेसिफिक देना है। नाइजीरिया गोनोरी अगेन बता रहा हूं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये सेक्सुअली एक्टिव वुमन में कॉमनली फाइंड आउट होता है। तो पर्टिकुलर आपको देखना है कि ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, यदि ग्राम नेगेटिव है तो किसको देंगे, ग्राम पॉजिटिव है तो किसको देंगे, और फाइनली द सेक्सुअल एक्टिव वुमन्स को डेवलप हुआ तो कौन सा ड्रग देंगे। इस तरीके से ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो थिंग विच इज बिलोंग फ्रॉम सेप्टिक आर्थराइटिस। लास्ट इंपॉर्टेंट यहां इसका टाइप्स है गॉटी आर्थराइटिस, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, जिसपे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन बनते हैं। गॉटी आर्थराइटिस क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, गॉटी आर्थराइटिस जो है ये एक वेस्ट है यूरिक एसिड। देखिए आपको जानना जरूरी होगा किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो वेस्ट बनता है, जैसे आपने सुना प्यूरिन, देखिए प्यूरिन एक प्रोटीन सब्सटेंस है और जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म होने की वजह से जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा बच्चों, वेस्ट होगा। डेफिनेटली एंड प्रोडक्ट क्या होगा, वेस्ट होगा, और उस एंड प्रोडक्ट का नाम है यूरिक एसिड। एंड प्रोडक्ट का नाम क्या बच्चों, यूरिक एसिड। दिस इज योर इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। क्या लिखा मैंने, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म हुआ, उससे से एंड प्रोडक्ट बना, उसका नाम क्या है, यूरिक एसिड। यदि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड का लेवल कब बढ़ सकता है, योर किडनी इज अनेबल टू फिल्टर, क्योंकि किडनी जो है ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन इन सब को बाहर निकालने का काम करती है। व्हेन योर किडनी इज अनेबल, किडनी जब फिल्टर नहीं कर पा रही है तो आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो दो डिजीज कॉज करता है। पहला याद रखना,
जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो ये यूरिन के साथ सुपर सैचुरेशन करेगा और यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन करेगा और ये कहां पर होगा, ये किडनी में होगा। दूसरा, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपके जॉइंट पे यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में जमा होगा, जॉइंट में स्टिफनेस करेगा और ये क्या कॉज करेगा बच्चों, ये गॉटी आर्थराइटिस कॉज करेगा। गॉटी आर्थराइटिस हमेशा ध्यान रखना, गॉटी आर्थराइटिस वाले पेशेंट को यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है और यूरिक एसिड स्टोन वाले पेशेंट को गॉटी आर्थराइटिस हो सकता है, दोनों का कॉज एक है। दोनों का कॉज कौन है, इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड क्या है, इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन मेटाबोलिज्म, एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन मेटाबोलिज्म। ओके फाइन, ओके फाइन। यदि हम फर्दर बात करें, मैंने क्लियरली मेंशन किया है, यूरिक एसिड इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजीनियन मेटाबॉलिज्म, इज अ प्यूरिन पास थ्रू द लिवर एंड एंटर इन योर ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम से कौन फिल्टर करेगा, किडनी। नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल 2.4 टू 6.0 नैनोग्राम एमजी पर डीएल होता है फीमेल में और लगभग 3.4 टू 7.0 एमजी पर डीएल होता है मेल में, और एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बता दूं बच्चों, 8.0 एमजी पर डीएल, ये लास्ट डेड नॉर्मल वैल्यू होता है। यदि इससे ज्यादा बढ़ा, इससे ज्यादा इंक्रीज हुआ तो गॉटी आर्थराइटिस कर सकता है, यूरिक एसिड स्टोन कर सकता है। देखिए मेल और फीमेल का स्पेसिफाई कर पूछे तो आप लिख सकते हो, और कॉमन सीधा पूछे व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड, 8.0 एमजी पर डीएल, ये नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिक एसिड सीधा आपसे पूछे तो आपको डायरेक्ट आंसर ये पुट करना होगा, दैट विल बी योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। क्यों, आगे एक ड्रग बताऊंगा मैं आपको, एलोक्विनोन, जो अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, हम फर्दर चलते हैं। यू कैन सी एवरीवन यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है कि एक सिम्टम है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, विच इज बिलोंग फ्रॉम द गॉटी आर्थराइटिस। आप एक टर्म सुना होगा टॉफी, देखिए एक टर्म सुना होगा आपने टॉफी, यू कैन सी एवरीवन, देखिए एक टर्म सुना होगा टॉफी, टॉफी खाने वाली नहीं, टॉफी नॉट ट्रॉफी, टॉफी, या इसको हम एक और टर्म से प्रोनाउंस कर सकते हैं। देखिए ये जो जॉइंट दिख रहा है इसको पोडेग्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम पोडेग्रा के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपका जॉइंट है, इस जॉइंट पे यूरिक एसिड जो है ये क्रिस्टल फॉर्म में जमा हो जाता है और जो शेप डेवलप होता है उसको हम टॉफी बोलते हैं, अदर वर्ड में हम पोडेग्रा बोलते हैं। और ये किसको फाइंड आउट होगा, द पेशेंट सफर विद गॉट या गॉटी आर्थराइटिस, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन, सीधा पूछेंगे गॉटी आर्थराइटिस या गॉट आर्थराइटिस वाले पेशेंट में इंडिकेटिव सिम्टम क्या होता है, टॉफी बोल सकते हैं, पोडेग्रा आप बोल सकते हो। ओके फाइन, फर्दर यदि हम देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में टॉफी मैंने ऑलरेडी पुट किया है, हार्ड नोड्यूल इन द स्किन कंटेनिंग चॉक डिपोजिशन ऑफ द सोडियम यूरेट, प्यूराइटिस होगा फ्रॉम यूरेट क्रिस्टल टू द स्किन क्योंकि यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से, ट्रीटमेंट मोडालिटीज में नॉन फार्मा नॉट स्पेसिफिक फिर भी मैंने पुट किया यहाँ पर, देखिए लो प्यूरिन डाइट क्योंकि माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर प्यूरिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जितना प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उतना यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा और यूरिक एसिड बढ़ेगा दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज गॉट योर गॉटी आर्थराइटिस। मैंने कहा था यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा होगा तो पेशेंट को यूरिक एसिड स्टोन भी हो सकता है, उस कंडीशन में अवॉइड करना है। देखिए ऑर्गन सच एज लिवर, मीट, वाइन, ये सारे सल्फिस, ये वो फूड है जो एक्सेसिव प्यूरिन मेटाबॉलिज्म करवाता है और यूरिक एसिड को डेवलप करता है, तो इनको अवॉइड करना है। इसके साथ में हाई फूड इंटेक करना ताकि किडनी जो है वो यूरिक एसिड को फिल्टर करके एक्सक्रीट करे तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन कम होगा और पेशेंट को गॉटी आर्थराइटिस का रिस्क जो है वो मिनिमाइज होगा। ओके फाइन, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस ऑफ यूज से जो क्वेश्चन बनेगा, दो ड्रग पढ़ाऊंगा, कोल्चिसिन पढ़ाऊंगा और एक एलोप्रिनोन पढ़ाऊंगा, एक पेन को मिनिमाइज करेगी, एक गॉटी अटैक को कम करेगी, ये क्वेश्चन यहां पर बनेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से। क्वेश्चन सीधा पूछते हैं कि पेशेंट जो है उसको गॉटी आर्थराइटिस है, पेन को मिनिमाइज करने में कौन सी ड्रग यूज करते हैं, कोल्चिसिन। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बच्चों, ये कोल्चिसिन पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट को भी यूज करते हैं, पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट है और आपको पता होगा पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट को एंटीरियर चेस्ट पेन होता है, उस पर्सन में भी कोल्चिसिन ड्रग का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन कार्डियोवैस्कुलर हम फिर से पढ़ेंगे। देन टाइप ऑफ पेन रिलीवर ड्रग बोल सकते हैं, हमेशा ये बॉडी पेन को कम करने में मदद करती है और
लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन को कम करने का काम भी करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रग, देखिए दोनों ड्रग एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली है, एलोप्रिनोन। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एलोप्रिनोन क्या करती है, गॉटी अटैक को कम करती है टू एच्यूरेटेड यूरिक एसिड। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम कीमोथेरेपी देते पेशेंट को, जब हम कीमोथेरेपी पेशेंट को देते हैं तो कीमोथेरेपी क्या करती है, डीएनए के मेटाबॉलिज्म अल्टर करती है और सेल का डिस्ट्रक्शन करती है। जब सेल का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या बनेगा, सेल का वेस्ट बनेगा और ये वेस्ट क्या करता है बच्चों, ये यूरिक एसिड बन करके इंक्रीज कर देता है यूरिक एसिड लेवल, और यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ेगा तो पेशेंट को गॉटी आर्थराइटिस और यूरिक एसिड स्टोन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जब भी पेशेंट को कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं तो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है दैट वी कैन से यूरिसीमिया। याद रखना, हमेशा कीमोथेरेपी के साथ में एलोप्रिनोन को यूज करते हैं यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ने से कम करने के लिए, क्योंकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन कॉज हो जाता है। तो यहाँ पर एलोप्रिनोन ड्रग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ कोल्चिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट यू गेटिंग एवरीवन। अब शॉर्टली लास्ट में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं, अपना स्केलेटल सिस्टम पूरा हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट वी यूज टू मॉनिटर द रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट, तो आपको आंसर लिखना है गोनियोमीटर। देखिए मैंने इमेज पुट किया है, कभी कभी इमेज पूछा जा सकता है बट ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछते हैं कि रेंज ऑफ मोशन आर ओ एम जो मूवमेंट है उसके मूवमेंट को मॉनिटर करने का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोनियोमीटर। इट्स को वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना बच्चों, बार बार पूछे जाने वाला एमसीक्यू है। क्या करते हैं, इस गोनियोमीटर को जॉइंट पे पुट करते हैं, फिर जॉइंट के मूवमेंट को करवाया जाएगा। इसका एंगल 0 से 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक का एंगल होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। और जैसे ही आपको डेफिनेटली आर्थराइटिस होगा तो रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट कम होंगे, और कम होगा तो पता करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, दैट वी कैन से गोनियोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे बच्चों, दैट इज अ गोनियोमीटर। Got it everyone? Shortly कुछ terms मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो exam में पूछे जा सकते हैं। You can see range of motion movement के छोटे-छोटे terms से इसमें question बन सकते हैं competitive exam purpose से। सबसे पहला लिखा मैंने flexion। देखिए bending to joint। Suppose ये मेरा elbow joint है, elbow joint को यहाँ से bend किया body की तरफ, that movement we can say flexion। That movement we can say flexion। आपको याद होगा मैंने hinge joint पढ़ाया था, दो example दिए थे elbow और knee। हिंज जॉइंट का मतलब वो जॉइंट जिसमें दो मूवमेंट होते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, उसको हिंज जॉइंट कहते हैं। और मैंने क्लियरली बताया था कि जब बॉडी की टूवर्ड्स मूव कर रहा है तो फ्लेक्शन सीधा हो रहा था, दैट वी कैन से एक्सटेंशन। जस्ट ऑपोजिट स्ट्रेटनिंग आउट, दैट इज एक्सटेंशन। दूसरा डॉर्सोफ्लेक्शन, देखिए बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द फूट। डॉर्सोफ्लेक्शन ज्यादातर फूट में पाया जाता है, लेग जो आपका यदि वो बैकवर्ड बेंड हो रहा है दैट वी कैन से डॉर्सोफ्लेक्शन। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है अबडक्शन और अडक्शन, इन दोनों को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनमें से एक टर्म्स का मीनिंग एग्जाम में जरूर पूछते हैं। देखिए अबडक्शन, हमेशा याद रखना अबडक्शन का मतलब होगा अवे अवे। अडक्शन में डबल डी आता है एड होना, मतलब क्या हो गया टूवर्ड्स, मतलब क्या होगा बच्चों टूवर्ड्स। सीधा कहता हूं दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास में है, जैसे ये दोनों हाथ बाहर जा रहे हैं ये अबडक्शन है ये अडक्शन है। अवे एड, अवे मतलब अबडक्शन, अबडक्शन और अडक्शन का मतलब एड होना, डबल डी जहां आता है वहां एड होना, मतलब हाथ बॉडी से दूर जा रहा है अबडक्शन हो रहा है, बॉडी की तरफ आ रहा है वो अडक्शन हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों टर्म्स यहां पर काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज ऑफ यू से। बाकी सर्कमडक्शन में ज्यादातर शोल्डर में होता है, कंप्लीट एक लॉन्ग एक्सिस का रोटेशन बोलते हैं। देन प्रोनेशन, प्राउन पोजीशन से याद रखना, प्रोनेशन का मतलब उल्टा होगा, पाम फेस डाउनवर्ड। देन सुपाइनेशन का मतलब जस्ट उल्टा, पाम अपवर्ड होगा। इसके अलावा इवर्शन और इनवर्शन, दोनों पैर जो है दोनों पैर अंदर मोड़ोगे इनवर्शन होगा, बाहर की ओर करोगे इवर्शन होगा। ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां तक अपना था स्केलेटल सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुका है। सेल पढ़ा आपने, सेल के बाद में स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।